हैलो डियर स्टूडेंट, असी प्लस वन जमात की पुस्तक कथा संगम विच दर्ज कहानी गोई जो कि प्रेम प्रकाश जी की शाखा रचना है बारे पढ़ रहे सी। इस कहानी विच बेटा पहला असी 18, 19 और 20 पेज की रीडिंग कर चुके हाँ अते आज असी पेज नंबर 21 और 22 की रीडिंग करनी है, पर मैं सब तो पहला तुहानू पेज नंबर 18, 19 और 20 दे सार संबंधी संखेप विच दसांगी। ओके बेटा, इस कहानी का मुख पात्र बखतावर है ते उसकी पत्नी का नाम बलविंदर है। उसका एक पुत्र है जिसका नाम जंग बहादुर सिंह उर्फ जंगी है। कहानी विच असी पढ़ते हाँ कि जिस दिन बखतावर की बेबे की बरसी हुंदी है उस दिन ही उसके पुत्र जंग बहादुर का जन्मदिन भी हुंदा है, पर घर विच हर साल जंगी का जन्मदिन मनाया जाता है। इसी तरह बखतावर अपने पुराने दिन याद करता है कि जदों उसकी बेबे की मौत हो जाती है तो वह अपने बापू नूं उसकी गिरदी हुई सेहत वेख के पिंड तो अपने कोल शहर ले आउंदा है, पर बापू दे पिंड तो शहर आउण नाल उन्हां दे घर विच इक तनाव जिहा पैदा हो जाता है, क्योंकि बखतावर की पत्नी बलविंदर का बापू प्रति वतीरा कुछ चंगा नहीं हुंदा, इसलिए घर विच कलेश जिहा पिया रहिंदा है। उस समय बखतावर नूं यह अहसास हुंदा है कि उसने इन्ने माड़े जट दे पुत ने अमीर घर की कुड़ी का रिश्ता क्यों कबूल किया सी। सो इसे कलेश नूं खत्म करन लई बापू डंग टपाऊ कमरे दे नाल छन पा के रहना शुरू कर दिंदा है। इत्थे तक बेटा सी पेज नंबर 18, 19 और 20 की रीडिंग की सी। हुण नैक्सट बेटा पेज नंबर 21 और 22 की रीडिंग करनी है। इसे लास्ट पैरे दे कुछ लाइना साड़ियाँ पेज नंबर 20 दे उपर हन। ठीक है, पहले उत्थे वर्ड मीनिंग डिस्कस कर लिए। उसार लई, बना लई। नैक्सट पेज नंबर 21 दे उपर बेटा वर्ड मीनिंग पहले। मामला, मामला होंदा है हाला, टैक्स। ठीक है, नैक्सट वर्ड आ गया पूरे ते पछों का हिसाब। पूरा कह दें पूरब वालों जी हवा वगनी। ठीक है, पछों मतलब पछम वाली पासे तो हवा का चलना। ठीक, नैक्सट बेटा वर्ड है दौण, मंजे की दौण, पैंद। नैक्सट वर्ड है गोहा पछवादा, गोहा पिछे हटवा। नैक्सट वर्ड हाक मारदा, आवाज़ मारदा। नैक्सट बेटा वर्ड है बड़ा औखा होया, औखा होया बहुत गुस्सा आना। ठीक है, नैक्सट वर्ड वस जट्टा की कुड़ी वसा लवान, वर्ड आया रहा है वसा लेना, ब्याह करवा लेना। नैक्सट बेटा वर्ड है मंगना, मंगना मंगनी, रिश्ता तय करना। ओके, हुण असी इसकी रीडिंग शुरू करांगे। पहले जो साड़िया लास्ट 20 पेज उपर बेटा जो लाइना ने, बापू ने कुछ दिन ही पिंड का अद्धा कोठा उधेड़ के गड्ढा भर लिया, तो दिना च ही नवा जिहा कोठा ते अगे छन उसार लई। पिंड वाला नलका पुट के गड लिया, वेड़े च तूत ते डेक त्रेक जिन्हों कह दें असी, डेक दे दरखत ला ले, पिंडों एक चोटी लिया के बन ले। यह काम करते कराते बापू नू देख के मैनू ही सुख मिलता सी। मैनू यह इतिहासिक गल्लां चेते आउंदियां सन जद भुलरां दा एक टब्बर कितों उजड़ के रियासत नाभे दे एक जगीरदार दे बीड़ च मामला तारण बदले जमीन मल के बह गया सी। उहदे जीआं ने टक किकरां ते फलाइयां वढ के, हुण किकर फलाइयां रुखां दे नाम ने, ठीक है, धरती कढ़ी सी ते कुलियां पा के पिंड बन लिया सी भुल्लर माजरा। हुण इत्थे लेखक की स्पष्ट कर रहा है कि जदों बापू अपने नूं पुत्र विचला कलेश वेखदा है तो उस कलेश नूं खत्म करन लई ओह पिंड तो अपना जिहड़ा अद्धा कोठा उधेड़ के लै आउंदा है, इट्टां वगैरह जो लै आउंदा है ते बाहर एक छन उसार लैंदा है, नलका पुट के लै आउंदा है उहनूं वी कढ लैंदा है, एक तरेक ला लैंदा है, टूत ला लैंदा है, झोटी नाल लै के आउंदा है। ठीक है, तो इस तरह अपने काम विच रुझा रहिंदा है। फिर उस समय बखतावर नूं पुरानियां गल्लां चेते आउंदियां ने कि उन्हें भुल्लर माजरा पिंड जिहड़ा उह किवें वसिया सी, भुल्लरां दा इक टब्बर सी, वह किसी जगह तो उजड़ के आया सी। जिवें लोग पहले
पाकिस्तान तो जिवें भारत उजड़ के आए सन, इत्थों दे लोग जिवें पाकिस्तान गए सन, ठीक है। इस तरह भुलना दा एक टब्बर भी किसी जगह तो उजड़ के आया सी, ते उन्होंने जो नाभे दे एक जागीरदार दे कोल मामला तारना सी, ते उन्होंने उत्थे जमीन मान ली सी, ते उत्थे अपने कुलियां किकरां फलाईयां रुख वढ़ के कुलियां पा लईयां सन, ते पिंड भुलन माजरा बन गया सी जिथों का बगतावर वसनीक है, ठीक है। नैक्सट बेटा, बापू बड़ा खुश रहन लग पिया सी। उह सारा दिन अपना घर सवारदा रहिंदा, झोटी खोलदा, चारदा, बन्नदा रहिंदा, अपने ते अपने डंगरां दे बहन खड़न वास्ते धुप छां ते पूरे पछों दा हिसाब करदा रहिंदा। उह अपने घर च जिथे मर्जी जिवें मर्जी बैठे, भावें नंगे पैरी फिरे, भावें जुत्ती पा के ते भावें नंगे पिंडे, उह मंजे ते बह के रोटी खांदा, पावे ते रख के गंडा बन्नदा, ते पानी दा गिलास मंजे दी दौण च फसा के खड़ा कर लैंदा। उस घर च उह किसे भी मैले कपड़िया वाले राजस्थानी जट, मंग दे भराई जां बाजीगर सैंसी नूं बुला के बिठा लैंदा सी, किसे भी मंगते नूं अपने हाथ नाल गुड़ दी रोड़ी जां लस्सी दे दिंदा सी। लस्सी मंगण आए ढहियां दे न्याणियां तों, ढहियां दे न्याणे मतलब जो गरीब जिवें टप्परी वास जिवें तुसीं कह सकदे जे, ठीक है, तो गोहा पछवांदा रहिंदा। सुबह शाम दुध की बाल्टी फड़ाउण वास्ते बलविंदर जां बिमला नूं बड़े माण नाल हाक मारदा सी। हुण बापू ने बाहर छान नूं उछाड़ लई सी, ठीक है, उस विच रहना शुरू कर दिता सी। बड़े अपने तरीके नाल घर सवारदा, कदे अपनी झोटी नूं खोलदा, बन्नदा रहिंदा, धुप छां दा जिहड़ा हिसाब लाउंदा रहिंदा, पूरे ते पछों दा। पूरे दी हवा बेटा जदों वगदी है, बाहर बैठो तो ठंडी लगती, पर जे अंदरां च बैठो तो गर्म लगती है, तो इस नाल मीह पैण दी आस हुंदी है, ठीक है। फिर इस तरह ही चाहे अपने घर विच नंगे पैरी फिरे, जुत्ती पै के फिरे, उहदी अपनी मनमर्जी सी, अपनी मनमर्जी दे नाल रोटी खांदा, जे कोई बाहरों मंगण वाला मंगता आउंदा उहनां नूं बुला के कोल बिठा लैंदा, लस्सी दिंदा, गुड़ भी दिंदा खाण वास्ते, ठीक है। ते नाल ही शाम नूं दुध दी बाल्टी फड़ाउण वास्ते बड़े माण दे नाल बलविंदर जां उहनां दी नौकरानी बिमला नूं हाक मारदा सी। पर बलविंदर नूं उस आखरी गल नूं छड्ड के उहदा कुछ भी पसंद नहीं सी। किहड़ी आखरी गल? दुध फड़ाउण वाली आखरी गल। बाकी सारियां गल्लां जो उपर सन, जो मंगतियां नूं बुलाउणा, उहनां दे नाल गल्लां करनियां, बिल्कुल भी चंगियां नहीं लगदियां सन बलविंदर नूं। उहदा ख्याल सी कि बापू सारी डिफेंस कलोनी वास्ते मक्खियां मच्छर पैदा कर रहा है। उन्हूं तां इह वी पसंद नहीं सी भई बापू जंगी नूं अपने कोल खिडावे। बापू भी उहनूं मिट्टी च छड्ड दिंदा, उह गारे नाल खेडदा तां वी ना रोकदा, सगों कोल खड़ा हसदा रहिंदा। बलविंदर इह वी नहीं सी चाहुंदी पई बापू जंगी नूं अपनी छाती ते लिटा के खिडावे ते वार वार चुम्मे। एक दिन तां उहने आख ही दित्ता सी भई चुम्मण नाल सियाणियां दे बीमारियां बच्चियां नूं लग जांदियां ने। हुण उह इह वी नहीं सी चाहुंदी, बाकी गल्लां ते बापू दीआं पसंद ही नहीं सन उसनूं, इह वी नहीं सी चाहुंदी कि उसदा पुत्तर जंग बहादुर बापू दे कोल जावे, क्योंकि उसकी सोच सी कि जेकर बापू उसनूं चुम्मदा है तो इस दे नाल उसकी सेहत ते माड़ा असर पै सकदा है, सियाणे दे बीमारियां बच्चियां नूं लग जांदियां ने। इस करके उह नहीं चाहुंदी सी कि बापू जंग बहादुर दे नाल खेडे। उस दिन मैं बड़ा औखा होया सी, दिल कीता सी भई उस घर नूं छड्ड के किते भज जावां। हुण इत्थे लेख बगतावर अपने बारे गल कर रहा है कि जदों उसने उसके बापू नूं जंग बहादुर दे नाल खेडण तों इनकार कीता सी, तो उस दिन उसनूं बहुत गुस्सा आउंदा है, तो उहदा जी करदा कि घर छड्ड के चला जावे। इस औरत नूं छड्ड के उहनां जट्टां दी कुड़ी वसा लवां जिहदे नाल बापू ने मैथों पुछे बिना ही मंगणा करना मन के रुपया फड़ लिया सी। हुण पहलां जो बगतावर सी बलविंदर तों पहलां उसके पिता ने उसका रिश्ता एक जट्टां दी कुड़ी दे नाल कीता सी, ते बगतावर नूं पुछे बिना ही रुपया दे के रिश्ता पक्का कर दिता सी, पर बगतावर ने खुद इनकार कर दिता सी। हुण नैक्सट पेज बेटा देखो, पहले असीं इस पेज दे वर्ड मीनिंग डिस्कस कर लवांगे। फर्स्ट वर्ड इत्थे आ रहा है शोर होया, रौला पिया, चीक दी, उच्ची बोल दी। नैक्सट बेटा 22 पेज का नैक्सट वर्ड देखो, गरीबड़ी, निमाणी, नियामत, बख्शिश। एक उपर वर्ड आया बेटा जून कट्टी ही हुई, जून कट्टी है ना मतलब मुश्किल दे नाल दिन बिताउणा।
नैक्सट बेटा घर दे वसेबे घर वसाउण लई ठीक है। आज साड़ी रीडिंग पेज नंबर 22 तक होएगी। हुण इस तो बाद देखो जिवें असीं लास्ट पिछले पैरे ते एक लाइन रीड कीती सी कि इस औरत नूं छड्ड के उन्हां जट्टां दी कुड़ी वसा लवां जिहदे नाल बापू ने मैथों पुछे बिना ही मंगना करना मन के रुपया फड़ लिया सी। ते इहदे नाल ही पैरा कॉन्टीन्यू हुंदा पेज नंबर 22 ते। ते फिर किन्नियां मुसीबतां नाल ना हो सकी सी जिहड़ी विधवा हो के एक बच्चा लई अपने बाप दे घर बैठी है। हुण बखतावर पछताउंदा है कि किते काश उसदा उस कुड़ी दे नाल विआह हो जांदा। ड्राइंग रूम च अचानक शोर होया। हुण फिर आ जांदा बेटा इत्थे वर्तमान दा समां जंगी दे जन्मदिन वाला दिन। बलविंदर दी भतीजी ने मेरे बूहे ते खड़ के चीकदी ने कहा अंकल इंग्लैंड आल आउट फॉर 237 दैन वट टू मी नॉनसेंस। एक गल मैं उन्हूं नहीं दिल च कहिंदा हाँ बखतावर मैनू बापू ने हाक मारी। वह इवें बखतावर दो शब्द तोड़ के कहिंदा उंजो लोगों के सामने मैनू हाक नहीं मारदा गल्लां करदे जद कदे बोलना ही पै जावे तां मैनू तुसीं कह जांदा तां मैनू बड़ी तकलीफ हुंदी है। मैनू लगदा है वह मेरा बापू नहीं कोई रिटायर्ड सिपाही बोल रहा है। हुण इत्थे लेखक वीर वर्तमान समय की गल हो रही है कि अचानक ड्राइंग रूम में शोर हों क्यों क्योंकि इंग्लैंड के जोड़े सारे खिडारी से वो 237 स्कोर बना के आउट हो चुके सन। तो यह गल जदों बलविंदर की भतीजी बखतावर नूं दसदी है तो बट पर उस दे नाल कोई गल नहीं करता ठीक है। इन्नी देर उसका बापू उसनों आवाज़ मारदा है बखतावर पूरा नाम नहीं मतलब लगता तोड़ के नाम लै रहा है। तो यह गल बखतावर नूं चंगी नहीं लगती सी ते जे किते कदे ज़्यादा लोगों में बैठिया बखतावर का बापू उसनों बुलाउंदा भी तो नाम नहीं सी लैंदा बल्कि तुसीं कह के बुलाउंदा सी। उस वेले बखतावर नूं बड़ी तकलीफ जी हुंदी सी कि जिवें उसका प्यो नहीं बोल रहा कोई रिटायर सिपाही बोल रहा है। फिर पुराने दिन याद करता इत्थे बखतावर बापू तो तां मेरी बेबे तकड़ी सी वह मेरे सहुरिआं दे घर जाके भी मैनू बखतौरा ही कहिंदी सी। उन्हों माण सी पुत जम्मण दा ते पालण दा उहदी आवाज़ भी गरीबड़ी जिही नहीं सी। बापू तां किन्नी उम्र सर सर करन वाला सिपाही ते फिर जी जी करन वाला किसान ही रहा। जून कट्टी ही होई हुण भी होई जांदी है उस घर च जिथे जिंदगी दी हर नियामत लभ सकती है गल सुनी भी जाती है पुग भी सकती है। मतलब इत्थे उह तुलना कर रहा बेबे ते बापू दे सुभा दी कि बेबे दा सुभा बड़ा खुल्ला डुल्ला सी बड़ी तकड़ी सी हर गल जिहड़ी मतलब मूँह फट के समझ जिवें हर गल मूँह ते कह दिंदी सी पर बापू सर सर करन वाला सी जिवें एक इंसान अपनी जून ही कट रहा होवे। की गल बापू मैं उहदे मंजे कोल पई कुर्सी ते बह जांदा हाँ ये रौला काहदा है वह परना मूँह ते नक ते फेरदा पुछदा है। मैच हुंदा है क्रिकेट दा पहला इंग्लैंड दा खिलाड़ी कैच आउट हो गया सी उहदे गेंद बुच हो गई सी उह हुण उह हारण वाले हो गए ने उह हार जाणगे हरा दिओ सालिआं बिल्लिआं नूं। बापू दीआं तस्सियां अखां हसदीआं ने इहदे कट काट वाले इस बंदे नूं बुढ़ेपे ते रोग ने कट अते अपने अमीर पुत दे घर दे वसीबे ते उस घर दी सुख मंगण ने बहुता मारिआ है। हुण जदों लेखक बखतावर नूं बापू आवाज़ मारदा है ते रौला पैण दा कारण पुछदा है ते लेख बखतावर उसनूं दसदा है कि इंग्लैंड दा खिडारी जिहड़ा आउट हो गया सी। जदों उसनूं पता लगदा है कि गोरियां बारे गल कीती जा रही है इंग्लैंड दे खिडारियों बारे ते बापू आखदा है कि इहनां नूं हरा दिओ मतलब अपनी नफरत प्रगट करदा है ठीक है। हुण देखो बेटा इत्थे इक लाइन है एडे कद काठ वाले इस बंदे नूं बुढ़ेपे ते रोग ने घट अपने अमीर पुत दे घर दे वसेबे ते उस घर दी सुख मंगण ने बहुता मारिआ है कि बापू दी जिहड़ी शरीरक हालत है उस दे उपर उहदे बुढ़ेपे दा ते रोग दा घट असर है अपने पुत्र प्रति उसकी फिक्र ज़्यादा है। कई बारी मैं सोचता हाँ इत्थे स्पैलिंग गलत दित्ते मां मैं आएगा कई बारी मैं सोचता हाँ जे ईमानदारी की गल करा तां मैनू बापू नाल किन्ना प्यार ते हमदर्दी सही मैं इस घर नूं तोड़ के बलविंदर नूं छड्ड नहीं सकदा उहदे नाल मेरा भविख जुड़िया है बहुता तां मैनू जंगी ने मारिया है उह तां किसी ते गुस्सा करन ही नहीं देंदा छोटा अपने आप दे। मतलब लेखक कई बार सोचता है कि
वह बलविंदर भी नहीं छड़ सकता क्योंकि उस दे नाल उसका भविख जुड़िया है। ज़्यादा अपने पुत्र प्यार करता है क्योंकि उसका पुत्र जंग बहादुर वह किसी के उपर गुस्सा नहीं कर दिता, ठीक है। इसलिए वह अपने घर हूँ तोड़ना नहीं चाहता, जोड़ के रखना चाहता है। ओके बेटा, इस तो बाद पेज नंबर 23 अते पेज नंबर 24 जो है ये वर्ड मीनिंग प्लैन करने ने, ते नाल ही पेज नंबर 18 तो लैके 22 तक सारी जो साड़ी कहानी इसनों रिवाइज़ करना है। ओके बेटा, थैंक यू।